सारे कलकश ये कहने हैं और सकाल में ही जमा टक गए नहीं रात मेरी माँ आ गया नहीं और बका खाने पे है और सही ना इंसान है सारे मारे कुछ सोच। तो ये देखिए छोटा सा बच्चा है और मिर्चें लाल मिर्च के साथ रोटी खा रहा है। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही हो? रोटी बना रही हूँ। गाना कि कुछ क्या खाऊ कि असम तंग जिम्मेदार मेरी माँ काम करेंगी सक देंगी उसे मर गई है। अच्छा मेरे घर वाला आए पे हो गए कमाओगे वाला आया क्या नहीं। अच्छा बाल साल बहुत तंग है पानी के रोटी पानी के आटा त्रेदी जवान क्या हम साया ने घर गहना है। अच्छा ने पे है ये लाल मिर्ची डाली हुई है तो बच्चे खा रहे हैं। बच्चे शोद बहुत तंग है बाजी कुछ क्या नहीं खाओ कि बाल साले हेक में डाइयो पोत्र शोद। और ये बेटियां चार जी है चार बेटियां ऐसे बच्चो कुछ नहीं मिलता खाने के लिए तो। क्या मसला है? गरीब है तो गरीब अच्छा पानी के तंग है बांध जा क्या नहीं सारी लैटरीन है ना कुछ इतना बहुत तंग थे जिम्मेदार याद है बैठे हुए बस ते बैठे से सारी बांध जा के नहीं मरले के जो न दिते बजन बहुत सा तंग है गरीब है। अच्छा ये मच्छों से आप बच्चे रोटी खाएंगे? जी हाँ खाने की तो कुछ क्या नहीं न था न बर्तन है। बर्तन ये है आपके? जी हाँ। टूटियाँ क्या हाल देखे टूटी कुछ क्या है पानी है उठ बारा ने कुछ भी नहीं है इनके पास तो ये इनके बर्तन है कुछ नहीं जी हाँ। ये देखे ये घड़ा एक पड़ा हुआ है हाँ। पानी फिर कहाँ से लेकर आते हो पानी? तुम खुद भरा ने वास्ते तेरे मेरे घर भरे ने। आपकी जगह भी नीचे नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई मर ले देते हैं मजे निमजाल साड़ी पे करो। अच्छा अच्छा बहुत गरीब हैं देखें चार बेटियां इनकी ये भी बेटी है आप जी हाँ ऐसे जी हाँ कुछ नहीं है आपके पास पाँव में जूते भी टूटे हुए हैं बच्चों के कपड़े भी नहीं है नहाने के लिए ना पानी कमजोर देखे उसकी माँ हालत भी बिल्कुल नहीं है खाने के लिए जब खाने के लिए कुछ ना मिले तो फिर तो ऐसी हालत हो जाती है ना। तो ये देखें दो रोटियां बना रही है और मिर्चें लाल रखी हुई है तो यही खाएंगे बच्चे। तो ये देखिए मिर्चें ये बच्चे खा जाते हैं आपकी मिर्चें क्या करना ने दिखाने के खा लाल मिर्चें इसमें घी भी डालो ना थोड़ा सा घी नहीं है इतना घी महंगा है तो केजु घेन दो। तो ये देखें घी भी नहीं है सिर्फ लाल मिर्च से वो गुजारा कर रहे हैं आलू घी कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं मिल रहा दाल भी नहीं मिल रही। तो फिर आप किस तरह जिंदगी गुजार कैसे जिंदगी गुजार रहे हो आप ये तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए जी हां। फिर कहाँ कमा आती हो कैसे खाती हो आखिर बच्चों का पेट तो भरती होगी ना जी हां। कैसे फिर तेरे मेरे के ना मांगानी है सवेनिया काम करने की तो कोई खड़े नहीं कहते कि बच्चा कहता है मुझे भी दो उसे तो दो रोटी। छोटा बच्चा ये देखे मिर्चों से रोटी खाएगा कितने अफसोस की बात है लोगों के पास इतना है कि खाने के लिए बच्चे पड़े रहते हैं खाने तो ये इनके पास थोड़ा घी भी नहीं है कि जो है ना जिससे वो खा दो बच्चे को तो दे दो ना खाना। तो देखें वो ऐसे रोटी खा रहा है मिर्च है ना नहीं वो नहीं खाएगा ना चंगेरे ना कोई बर्तन वगैरह भी नहीं है इनके पास। देखिए बच्चे की हालत तो ये इनके खाने पीने के हालात हैं और बुरे हालात हैं अपनी जगह भी नहीं है लोगों के घर में बैठे हुए हैं कहते हैं हमें कहते हैं कि आप निकल जाओ इधर से हां तो फिर बाजी कहाँ जाओगी आप कंजे क्या नहीं जगह तो फिर बनवानी पड़ेगी ना जी जवान मान से जो के जाने जाने तो यात्रा ही क्या है आपकी माँ बाप नहीं है? नहीं है क्यों कहाँ है अलो बाप फोत हो गए। अच्छा फोत हो गए जी फिर तो आपका कोई नहीं है इसका मतलब है कोई भी सहारा नहीं है ऐसे तो ये देखिए छोटा सा बच्चा है और मिर्चें लाल मिर्च के साथ रोटी खा रहा है। ये देखिए एनो भाई मैं तारे को हाथ जोड़े नहीं है सारे घर को जी कह नहीं खाओ के तो त्रेदी जवार है सब बेद गेना ने खाने चाहड़ के तो भाजी सालों कुछ है क्या नहीं कुछ भी कह नहीं कितने दिन गए ना सारे क्या नहीं कहती है बेटी के कितने दिन हो गए हमने सारा नहीं पकाया ये हालत है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया सितवाला कहते हैं कि अगर हमें कोई थोड़ा सा राशन मिल जाए
कुछ खाने पीने के लिए तो उसके अंदर सांस ही नहीं है, पता लगता है मुझे तो। तो बच्चा देखे कच्ची मिर्चें खा रहे, वो देखे लगा के खा रहे, ये तो इनके हालात हैं। ये देखो आती हो गए हैं बच्चे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें सारे बच्चे जो है ना मर्चों से गुजारा कर रहे हैं। कहते हैं अम्मी आप भी खाओ, छोटा सा बच्चा है, कहते हैं अम्मी आप भी खाओ। उसको साथ लेकर दे रहे, देखिए खाओ मेरे दे, मैं कह दूंगा ना तब सवामा इयो को जीव खाओ। इंशाल्लाह अम्मा जी आप सब्र करें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। हमें तो नहीं पता था आपके ये हालात हैं। हम हमें कल किसी ने बताया है। हमें इसलिए किसी ने कहा है तो हम भी इधर पहुंचे हैं। ये फैमिली है, आप इधर पहुंचे हैं क्योंकि ये बहुत इनके तो बहुत बुरे हालात हैं। तो हम पहुंचे हैं तो इंशाल्लाह कल तक हम आपका कोई राशन का इंतजाम करते हैं। तो जो है ना बस आप दुआ करना, अल्लाह पाक हर किसी को सेहत दे, जिंदगी दे। जी मेरा क्या शुक्रिया, अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं हर वक्त। अल्लाह पाक रिस्क देने वाला, इन बच्चों के तफेल दे अल्लाह पाक। अल्लाह ताला बस आपकी परेशानी दूर करे, परेशानी दूर करे। बच्चा कहता है माँ को कि तू खा अम्मा तू खा, तो जो है ना वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ भूखी ना बैठी रहे, छोटा सा बच्चा है मैं तो खा रहा हूँ, वो बेटियाँ भी खा रही हैं एक रोटी है, तो मेरी माँ तो भूखी ना बैठी रहे ना। जी, बिल्कुल। तो बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इन बच्चों को देख के। तो